हेलो रीमा, प्लीज मुझसे इस वक्त कुछ मत पूछना। मैं इस वक्त जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि एलेना की शादी क्यों नहीं हुई। क्या हुआ? शबरेज महर से निकाह करके उसे घर ले आया है। What? ना मिलने पर लोग रोक लगाकर सारी जिंदगी बिता देते हैं। तुम्हारी तरह किडनैप करवाकर तलाकें नहीं करवाते। मोहब्बत हार जीत नहीं होती, मोहब्बत बस मोहब्बत होती। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे पाने के बाद जोर जबरदस्ती से अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश नहीं की। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? साबित तुम्हें उस दिन करूँ जिस दिन तुमसे खुला हो। जिंदगी भी संगी ले गया सजा हो जैसे। फिर भी अगर कोई खुशफहमी है ना तो कोशिश करके देख लो, मेरी नफरत के आगे तुम्हारे सारे इरादे पाश पाश हो जाएंगे। तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन एक आशिक की नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि साहिबजादा काशान अली खान को बहुत बड़ा झटका लगेगा जब वो ये सुन लेगा कि मेहर और शबरेज की शादी हो चुकी है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस जिद में कर रहा था कि वो मेहर को अपना लेगा। वो सोच रहा था कि मेहर को उस्मान से तलाक दिलवा लूँगा और अलेना की शादी शबरेज से करवा देगा, तो इस तरह से मेहर अकेली रह जाएगी और उसे शादी करने के लिए फिर कोई नहीं होगा। तो तभी वो जाकर मेहर से शादी कर लेगा, लेकिन सब कुछ उसके सोच के बिल्कुल अपोजिट हुआ और शबरेज ने जाकर मेहर से शादी कर ली। साहिबजादा काशान अली खान इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठेगा, लेकिन वही दूसरी तरफ मेहर की बेरुखी की वजह से शबरेज ये खोज लगाने में लग जाएगा कि आखिर जो कुछ मेहर समझ रही है कि मैंने किया है, हालांकि वो हकीकत में मैंने नहीं किया, वो आखिर किया किसने है। अब काशान अली खान नेक्स्ट चाल क्या चलेगा और वही दूसरी तरफ शबरेज क्या स्टेप लेगा? व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या शबरेज को और मेहर को साहिबजादा काशान अली खान की हकीकत पता लग जाएगी कि सब कुछ साहिबजादा काशान अली खान ने करवाया था या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा।